पहुंच गए ना हम लोग, हाँ, तो एक एक हिस्सा 2.1 किलोमीटर दूर रह गया, दूसरा हिस्सा तो पहुंच गया ना। अब संपर्क सिद्ध नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। मैं ट्विटर पे विश कर चुका हूँ उनको, और मैंने ये कहा था कि संपर्क टूटा है, साहस अभी भी है, संकल्प अभी भी है। चंद्रमा कौन सा दूर है, आइए बाहर दिखाता हूँ आपको, सामने ही है यार। वहाँ दो नहीं लव बर्ड्स मिले, बहुत सारे मिल रहे हैं वहाँ, लव बर्ड्स चलते रहते हैं। आई थिंक अभी राइट नाउ वी जस्ट हैड बसीर एंड लुसिंडा, नाउ वी हैव सलमान एंड निकिता। तो ऐसे तो होगा ना, जब यहाँ यंग लोग एक साथ एक रूम में रहेंगे और एक घर में बंद रहेंगे तो कुछ नहीं होता, या तो लड़ाई करते या प्यार करते आपस में, यही चलता है। ओल्ड बालाजी के साथ एसोसिएशन रहा है मेरा बारिश के ज़रिए, एंड अब इनका ये शो मॉम आ रहा है मिशन मंगल से। अभी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, काफ़ी कुछ जानता हूँ इस मिशन के बारे में, और अब उस कहानी का पोटेंशियल बिल्कुल ऐसा है कि एक वेब शो में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद फिल्म में कवर नहीं करवाए, बिकॉज फिल्म की लेंथ खाली उतने तक हो सकती है। तो ये वेब शो में बहुत कुछ और हमें उसकी गहराई समझने में आएगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। इसरो टीम को यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बेहद गर्व महसूस करते हैं, उन्होंने जो कमाल का काम अब तक किया है और आगे भी करते जाएंगे, और वी आर प्राउड ऑफ देम एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, एंड इवेंचुअली दिस विल इम्पैक्ट ऑल आवर लाइव्स एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई फील एक्सट्रीमली प्राउड, इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मुझे ऐसी फिल्में करना पसंद होती है जो मिडिल ऑफ द लाइन है, जो कमर्शियली भी सक्सेसफुल रहे, और साथ ही साथ हम ऐसा कुछ कह सके जिससे लोगों को कुछ और जानकारी या एक और एक एस्पेक्ट देखने और समझने में मिले। तो ऐसा मिशन मम्मी के जरिए हुआ है, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ दैट। या आई होप सो, आई एम ओपन टू इट। जब भी बनेगा अब सीजन 2 अगर बनती है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन इट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, एक्चुअली एकता के ट्वीट के जरिए पता लगा कि जो 6 हफ्ते में टारगेट अचीव करना था वो 6 दिन में हो गया, तो आई अज्यूम कि अच्छा ही होगा सब कुछ। अरे आई वांट अ पिक्चर विद यू। नाम ही गलत बोल रहे हैं, ओवर मार्स, ऑन मार्स नहीं, ओवर मार्स। कई सारी बातें इसमें एकता जी ने बनाया, तो ये बताने की आवश्यकता है नहीं कि एकता जी में मेरा विश्वास कितना गहरा है, और जो स्टारकास्ट हैं, साक्षी जी हैं, मोना जी हैं, जो मेरी कोस्टार है कहने को हम सफर हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्टारकास्ट है। और अच्छा यहाँ देख के बोलना, पूरा फिर से बोलना पड़ेगा। तो अभी अभी आया हूँ, देखना है शो, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही कमाल का शो होगा। बेहतर होगा कि हम एक बार मैं शो देख लूँ, उसके बाद हम लोग वार्तालाप करें।
हाँ हाँ बहुत जब भी मुझे कोई पुरस्कार मिलता है मैं क्या हम सबके परिवार हैं, जिंदगी है, जिंदगी चलानी पड़ती है, हमको किचन चलाना पड़ता है, लेकिन मैं दृढ़ विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि एक अभिनेता जो होता है या कोई भी आर्टिस्ट, वो तालियों की गड़गड़ाहट से ज़्यादा उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो जब वो कोई काम करता है उसके पुरस्कार जो होता है वो जो हमारे फैंस होते हैं, हमारी जनता होती है, उनके प्रेम का प्रतीक होता है, तो वो जब दिया जाता है आपको हाथ में, उससे बड़ी खुशी कोई है नहीं। तो इससे आगे मैं क्या कहूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे अवार्ड मुझे ही मिले इस साल। मुझे बताया नहीं आपने, मैं जैकेट वैकेट पहन के क्या हो गया ना मेरा वो जैसे एस ऑफ स्पेस चालू होता है मेरा ऐसा अंदर के अंदर फैशन जागने लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जरा इंटरेस्टिंग। सो पिछले साल आई वॉज जस्ट लाइक ऑल ओवर द प्लेस, वेरी फैंटेसी, बट दिस ईयर आई हैव गॉटन मोर रियल एंड बट येट क्वर्की, दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू, है ना। यह मॉम का नाम ही मॉम है एंड आई थिंक द वे इट्स बीन रिटन इट्स सो ब्यूटिफुल। आई हैव been lucky enough to see some of the episodes beforehand and I think one of the strongest cast that could be ensemble together has been brought together here and I'm a big big Sakshi fan. I want to work with her very soon hopefully and the way it's been written, the way it's been produced, you'll love it. Iski performance ke liye aap bahut hi excited hain, maine kaha Sakshi Tanwar is back and I love watching her on screen every single time she comes. सो चाहे वो दंगल हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो उनका, शी इज़ ऑलवेज बीन सो फैंटास्टिक। चंद्रयान टू, हाँ प्लीज करो करो कम्प्लीट करो। यू नो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एवरी इंडियन, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी स्टैंडिंग वाइल our country is going ahead and doing missions such as Chandrayaan 2, because it's important to progress not just in arts but in science in every field, and it is very important to know that not even US or the other countries were able to do it in the first attempt. So itna niche mat karo, kuch log bahut zara ekdam se excited ho jate hain, but it takes time and I'm sure the second time we do it will be successful. मैं विश नहीं, आई विल राइट टू थैंक देम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटायर टीम जो आपने इतनी मेहनत करी एंड यू मेड अस ऑल प्राउड। सब्सक्राइब टू बिस्कुट टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन योर यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर बॉलीवुड अपडेट फ्रॉम बिस्कुट टीवी।